हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया जब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने लगातार चौकसी बनाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ समय पहले ही जम्मू से जो है जनसभा को संबोधित करके निकले हैं, और आपको बता दूं कि उनके दौरे से पहले पहले से ही अलर्ट चल रहा था, मगर उसके साथ साथ सुरक्षा बलों की जो मुहिम आतंक की सफाई के लिए है वो लगातार तेजी से चल रही है। खासतौर पर डोडा का इलाका, कठुआ का इलाका और जो राजौरी पुंछ का इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आतंकियों की हरकत देखी गई है। कल भी हमने देखा कि कैसे इलियास कश्मीरी का, जो कि पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा है, यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है या फिर यहाँ छुपा हुआ है कश्मीर में, इस चीज को लेकर जो है 3 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आप देखें तो ये आतंकी अपने टाउट्स के जरिए, अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए यहाँ पर छुपने के ठिकानों में रहते हैं, और उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मगर सुरक्षा बलों ने अब एक नया चक्रव्यूह बनाया है, और इस चक्रव्यूह का मतलब बड़ा साफ है कि आतंकी अगर इस चक्रव्यूह में फंसते हैं तो वो मारे जाएंगे और यहां से भागने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसीलिए 19 एंटी टेरर यूनिट जो है वो गठित किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस के, सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान उन जंगल के इलाकों में तैनात हुए जहां पर लगातार आतंकी गतिविधियां होती थी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की एडिशनल कंपनीज को जम्मू कश्मीर में चुनावों को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए लगाया गया है। तो ये वो चक्रव्यूह है जिसमें आतंकी जो है वो कोशिश करेंगे भी तब भी उनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी, और इसीलिए आप देखें तो पिछले लगभग एक महीने में आतंकियों से के साथ सुरक्षा बलों के लगभग 9 एनकाउंटर हुए हैं, और इन 9 एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए हैं, और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, मुठभेड़ चल रही है कि आतंकियों को किस तरीके से सफाया किया जा सके। राजौरी के थाना मंडी इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था अजय, उसकी क्या स्थिति है? क्या वहां पर आतंकियों को ढूंढने में सुरक्षा बलों के हाथ कोई सफलता अब तक लगती हुई नजर आई है? देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है, जिस तरीके से राजौरी, थनामंडी और ख्वास का जो इलाका है राजौरी का, वहाँ पर 2 मुठभेड़ें हुई हैं, वो साफ बताती हैं कि वो आतंकी दरअसल जंगल के इलाके में घिरे हुए हैं। दरअसल आपको बताऊं, ख्वास में ये आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए वहाँ कुछ खाने पीने का सामान या कुछ और चीज़ लेने के लिए पहुँचे थे, मगर सुरक्षा बलों को भनक लगी, उन्होंने रात्रि में वहीं पर जो है अपना डेरा डाला, और जैसे ही वहाँ पर उन्होंने एम्बुश लगा के रखा था, जैसे ही आतंकी वहाँ पहुँचे उनके साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि जंगल का इलाका था तो आतंकी जंगल के भीतर भाग गए, मगर सुरक्षा बलों ने वो इलाका जो है वो नहीं छोड़ा है, उसको घेराबंदी करके रखा है। एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है ताकि तलाशी अभियान में कहीं अपना नुकसान ना होने पाए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि राजौरी के ही थनामंडी का इलाका, वहां पर भी इसी तरह से आतंकियों की हरकत को देखा गया था। इन दोनों जगहों पर लगभग 10 से 12 आतंकी सक्रिय हैं, और ये लगातार जंगल पे अपने छुपने के ठिकानों में बैठे हुए हैं। इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, इस चीज़ को लेकर कवायद चल रही है। राजौरी और पुंछ की अगर बात की जाए, लगभग 25 से 30 आतंकी इस इलाके में सक्रिय हैं, जबकि जो कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ का इलाका है, यहाँ पर लगभग 40 से 50 आतंकियों के मौजूदगी की खबर है। इसीलिए लगातार मल्टीपल टीम जो स्पेशल फोर्सेस की है, सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो जो है इन ऑपरेशंस में लगी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जाए। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो चुनावों की है, चुनाव सुरक्षित तरीके से हो उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। मगर दूसरी तरफ इन आतंकियों की सफाई के लिए लगातार जो आतंकियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें सुरक्षा बलों की वो टीम जिसमें भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और वो एलीट कमांडो जो हैं वो शामिल हैं, जो इन इलाकों को घेराबंदी करके जंगल के इलाकों में वहां पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अजय लगातार ये सर्च ऑपरेशन की जो इस वक्त स्थिति है, ऐसे में जो तमाम इलाके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर घने जंगल है, जहां आतंकी छिपे हुए और सेना यहां सर्च ऑपरेशन कर रही है, कितनी बड़ी चुनौतियां सेना के सामने है कि आतंकियों को आइडेंटिफाई किया जाए और एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि जो पूरा एरिया है वो बहुत ही घना है जंगल के लिहाज से अगर हम कहें तो। ऐसे में आतंकियों की प्रिसाइज लोकेशन ढूंढकर उन्हें एलिमिनेट करना, ये कितना मुश्किल टास्क है और कितना समय इसमें जो है वो अमूमन लग सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका पड़ता है, मैं पहले सिर्फ आपको डोडा और उधमपुर की बात बताता हूं। दरअसल डोडा
उधमपुर, किश्तवाड़ और उसके साथ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये इलाका जो है इसमें कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और वो ऊंची पहाड़ियां एक दूसरे से जो है वो सटी हुई हैं और ऐसे में जो गांव हैं, जो लोग हैं वो दरअसल डाउन में रहते हैं, जंगलों के भीतर इक्का दुक्का गांव छोटे मोटे हैं या घर हैं जहां पर लोगों की मौजूदगी है और ये आतंकी उस जंगल में हैं और इस जंगल में जो आतंकी कठुआ से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आया है तो वो कठुआ के बनी बसोली के ऊपरी इलाकों में बैठा हुआ है, वहीं से वो चलकर दूसरी तरफ उधमपुर के जंगलों तक पहुंच सकता है और वहीं से सटे हुए डोडा, किश्तवाड़ के जंगलों तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये चुनौतियां सबसे ज़्यादा है कि आतंकी जंगलों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वहां से बाहर आएंगे तो सुरक्षा बलों के जवान वहां पे तैनात हैं, वो उनको मार गिराएंगे। आतंकी अब अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं मगर जंगल के भीतर रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां सुरक्षा बलों के जवान मिलते हैं तो दूसरी से तीसरी जगह चले जाते हैं। यही स्थिति जो है वो राजौरी पुंछ के इलाके में है, जो राजौरी पुंछ का पीरपंजाल का इलाका है, राजौरी पुंछ का इलाका जो है वो सटा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जहां से आतंकी घुसपैठ करके आए, राजौरी पुंछ में पहुंचे और वहां पर जंगलों में उन्होंने डेरा डाला। वहीं से रियासी सटा हुआ है, वहीं से अगर उनको जब यात्री बस पर हमला हुआ था, ये आतंकी जो हैं राजौरी में थे, राजौरी से ट्रेवल किया उन्होंने और हाकम दीन नाम का वो ओवरग्राउंड वर्कर जिसको अब हिरासत में ले लिया गया, उसने 6,000 रुपये की खातिर उन आतंकियों को उस बस की लोकेशन तक पहुंचाया, उसे खाने पीने का सामान दिया उन आतंकियों को और उसके बाद उन्होंने उस बस पर हमला किया जिसमें 9 यात्रियों की मौत हुई थी। तो ये दरअसल एक उनकी एक टैक्टिक है, वो सड़कों का इस्तेमाल नहीं करते, रास्तों का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ जंगल के भीतर रहकर वहीं से ट्रेवल कर एक दो एक जगह से दूसरी जगह वहां पर हमलों को अंजाम देते हैं और इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को टारगेट करने के लिए सुरक्षा बलों की कई टीम जो है काम कर रही हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, और उसी का नतीजा है कि हाकमदीन पकड़ा गया, लतीफ पकड़ा गया, इसी तरह से लगभग 10 से 12 ऐसे ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिनको पिछले कुछ समय में पकड़ा गया है, जिनकी जाँच चल रही है कि और वो कहाँ कहाँ से उनके पास पैसा आया, कौन लोग थे जो इनके साथ सटे हुए हैं और उस पूरे आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर बहराइच से दर्शकों को बताऊं जहां